Well, I'm Jasveer Tevatiya. I'm from Rohini and I have come here to learn Reiki, and this is my third attempt. And slowly, slowly, surprisingly, I'm finding it very, very good. And I hope not only me, everybody, at least one guy from the family should go for the Reiki. And I really thank the Reiki for this. Okay, thank you very much. मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, पालम से आया हूँ। रेकी के बारे में मैंने सुना था, लेकिन आज रेकी को जो है अनुभव किया, और हाथों के द्वारा जो मैंने ऊर्जा का आवागमन जो है साक्षात महसूस किया। धन्यवाद रेकी। ठीक है, नमस्कार, मैं नरेंद्र शर्मा, रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। मैंने रेकी कोर्स 1 और 2 किए हुए हैं, थर्ड रेकी विकास डॉक्टर विकास दुग्गल जी से लिए। मुझे रेकी का जो अनुभव आज महसूस हुआ, उसमें रेकी शक्ति ने आकर के मुझे किस प्रकार से क्लीन किया वो मैंने महसूस किया। एक तरह से आसमान में से पावर आती है और शरीर को शुद्ध करती है, स्वस्थ करती है, वो बहुत अच्छे से महसूस हुआ है आज मुझे। और मैं रेकी शक्ति का बहुत धन्यवाद करता हूँ, रेकी गुरु रेकी मास्टर्स का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस शक्ति के लिए चुना। थैंक्स रेकी। मेरा नाम केवल है, मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ, और यहाँ दिल्ली से विकास सर से मैंने रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल किया, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मास्टरशिप लेने पर भी सभी चक्रास के ध्यान करते हुए सभी पर मुझे वाइब्रेशन भी फील हुआ, और सर्जरी के लेवल पर मैंने अपने दादाजी की ब्रेन सर्जरी की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे रियल में सर्जरी कर रहे हैं, और आगे भी मैं यहाँ से जुड़ा रहूँगा। थैंक्स रेकी, थैंक विकास सर। मेरा नाम पवन गोयल है, मैं सीसी कॉलोनी राणा प्रताप बाग से आया हूँ। मैंने रेकी के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज जो जाना जैसा सुना था वैसे ही मैंने पाया। यहाँ विकास जी के सानिध्य में मैंने ये कोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल किया है, और मैं अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं विकास जी का और रेकी शक्ति का धन्यवाद करता हूँ। आई एम विदेश कुमार, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हूँ। और मैंने जो है 1 महीने पहले जो है रेकी सीखी, और उसमें मैंने काफ़ी अनुभव किए। घर पर जो है पहले तो अपनी मिसेज का जो है पैर में पेन था, उसको जो है हीलिंग किया, और उसका पेन जो है काफ़ी रिलीफ मिला है, ठीक हो गया है। और उसके बाद हमने एक परिवार की और रेकी की, उनको भी मतलब जो है हमने काफ़ी रिलीफ दिया, और वे काफ़ी महसूस जो है ठीक किया उन्होंने। और उसके बाद अब हमने यहाँ थर्ड लेवल सीखा है, और हमने एक लेडीज़ का जो है किडनी ट्रांसफ़र किया, उसमें मतलब जो है उसको काफ़ी मतलब हमें महसूस किया, जैसे मतलब जो है सर्जन डॉक्टर जो है करते हैं, और वही हमें मतलब काफ़ी फील हुआ। उसका हमने ट्रांसफ़र करा जैसे किडनी का, तो हमें किडनी भी जो है रेकी से दिखाई दी, बड़ा हाथ में मतलब भारीपन महसूस हुआ, और उसको ट्रांसफरेशन किया और जो है ठीक हो गया वो। और उसके बाद जो है आगे आगे एक्सपीरियंस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और विकास जी का जो है धन्यवाद, थैंक, और रेकी का भी धन्यवाद, और यहाँ का सभी का लोगों का जो है धन्यवाद। मेरा नाम संगीता है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने 1 महीना पहले रेकी सीखी है, और मेरा मेंटल थोड़ा सा बैलेंस ठीक नहीं था इसके सीखने के बाद, अब बहुत चेंज आ गया, मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। और ये मैंने उसके बाद अपने बच्चों की भी हीलिंग की, उनको जहाँ पेन हुई एकदम फर्स्ट सेकंड लेवल के बाद ही मैंने जो किया एकदम इंस्टेंट रिलीफ आ गया। और भी अभी थर्ड लेवल सीखा है, उसमें साइकिक सर्जरी की है, जो कि बहुत ही मतलब एकदम से ऐसे लग हो गए, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो गया है एकदम। और ये बहुत अच्छा है लाइफ में, फ्यूचर के लिए, एवरी फ्रॉम इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल, हर लेवल को ठीक करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो बस यही है मेरा अभी, और आगे फ्यूचर में जितना कोशिश होगा, अपने पहले तो अपना, फिर फैमिली मेम्बर्स का, फिर दूसरों का, जितनी हेल्प कर सकेंगे करेंगे। और बहुत अच्छा है, थैंक्स टू रेकी, थैंक्स टू डॉक्टर विकास दुग्गल। मेरा नाम धर्म प्रकाश ग्रोवर है, और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मैंने
एक महीने पहले रेकी का फर्स्ट और सेकंड लेवल किया था यहाँ पर। उसके बाद मैंने घर पर सबसे पहले दिन अपनी बेटी की रेकी की, उसे बुखार हो रहा था तो उसे इंस्टेंटली रिलीफ हुआ। अगले दिन सवेरे वो बुखार इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक हो गई वो। उसके बाद जब मॉर्निंग में मैं प्रैक्टिस ये करने लगा तो मेरे दांत में दाईं साइड में यहाँ पर काफ़ी दर्द हो रहा था। तो नॉर्मली मैं वैसे भी मेडिसिंस लेना प्रेफर नहीं करता, फिर मैंने तब रेकी की वजह से रेकी करना शुरू किया। धीरे धीरे वो दर्द कम में गायब हो गया, वो मुझे पता नहीं लगा। उसके बाद हमने एक फैमिली थी, उस फैमिली को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रेकी से बड़ा फ़ायदा होता है, तो उन्हें रेकी के बारे में कुछ नॉलेज थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप हमारी रेकी कीजिए। उनकी रेकी हमने की तो उनके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी थी जो बहुत दूर हुई और उन्हें काफ़ी रिलीफ हुआ उस सेशन के दौरान। इसके बाद आज हमने ये थर्ड लेवर यहाँ किया और साइकिक सर्जरी और दूसरे कई टेक्निक्स यहाँ पर सीखी। साइकिक सर्जरी के दौरान आज जब मैंने अपनी वाइफ का लीवर सर्जरी की तो बहुत अच्छा फील हुआ, बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे एक डॉक्टर की तरह हम वो सर्जरी कर रहे हैं और वहाँ पर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और इट्स रियली अ गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर एंड थैंक्स टू रेकी, थैंक्स टू डॉक्टर विकास फॉर टीचिंग अस दिस लाइफ वाइटल एनर्जी विच वी विल यूज़ इन द फ्यूचर फॉर हेल्प टू हेल्प द अदर्स। थैंक यू वेरी